हेलो एवरीवन, एग्जाम स्टार्ट यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में जरूर व्यस्त होंगे। आज हम कोई लेक्चर नहीं लेने वाले हैं, आज अपन पढ़ेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो आया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसका है। किस पोस्ट के लिए है? असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी जानेंगे, तो चलिए देखते हैं, बिना देर के शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है ये, कहाँ कहाँ इसकी पोस्ट होगी? एक हेडक्वार्टर्स में और एक इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक। देखो लेवल 6 है और लेवल 7 है। लेवल 6, 7 पे कमीशन, कहाँ पे? रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है दोनों जगह पे, हेडक्वार्टर्स में भी है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में, और बाकी जगह भी है। सब जगह दिखाऊंगी वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी है, और बाकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मिलेगी लेवल 6, यानी कि 4200 ग्रेड पे हो गया आपका। और लेवल 7 वाली जो है वो 4600 ग्रेड पे, वो कहाँ मिलेगी? हेडक्वार्टर्स जो दिल्ली में है, ठीक है। चलो बढ़ जाओ आगे। अब इम्पोर्टेंट डेट देखो, कब से? 7 मई से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आज 20 मई हो चुकी है वैसे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा इसको। लास्ट डेट कब की है? 1 जून है, अभी भी 10 दिन है आपके पास में, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके अभी भर देना इसको, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग बताने में, ठीक। लास्ट डेट फी पेमेंट की कितनी है? 1 जून है। करेक्शन विंडो इसकी कब ओपन की जाएगी? 5 जून से 7 जून तक। जैसे अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है आप लोगों से, तो 5 जून से 7 जून तक ये अपनी करेक्शन विंडो रहेगी, ठीक। प्रीलिम्स का एग्जाम इसका लास्ट वीक ऑफ जून में है, जल्दी है, मतलब वैसे ही ये फॉर्म भरते ही एग्जाम है। मई में फॉर्म भरोगे 1 जून तक तो फॉर्म ही भरेगा, और मंथ के एंड में इसका एग्जाम हो जाना है, ठीक है। मेंस की बात करेंगे तो वो बाद में होगा, स्किल टेस्ट भी होगा इसमें। जो बच्चे सीजीएल का एग्जाम देते होंगे ना, एसएससी सीजीएल का, 2 कॉपी वैसा ही है, एग्जाम पैटर्न भी वही है और जो स्टेप्स हैं सारे वही के वही हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे वैकेंसीज कितनी कितनी है। टोटल वैकेंसी अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो 71 है, और अगर बाकी इंस्टीट्यूट की बात करें तो 391 है। इसको अगर आप देखोगे टोटल ऐड करोगे तो कितनी आ जाएंगी? 462 इसकी वैकेंसी हो जाएंगी टोटल। यूआर की देख लो 44 है, ओबीसी की 16 हो गई, एससीएसटी की 7 और 1, ईडब्ल्यूएस की 3 हो गई, दिव्यांगजन की कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट्स की बात करोगे तो 235 हो गए यूआर का, ओबीसी का 79, एससी का 41, एसटी का 13, ईडब्ल्यूएस की 23, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ जाए आगे, बाकी चीजें देखते हैं क्या क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है आपका? बस बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, ओके, ये हो गया। और परसेंटेज मार्क्स आपको बताने पड़ेंगे 2 डेसिमल नियरेस्ट टू 2 डेसिमल, यानी कि 81.34 इस टाइप से, अगर किसी के इतने परसेंटेज आ रहे हैं तो आपको अप टू 2 डेसिमल तक बताना है, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप तभी भर पाओगे इसको, ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट जॉब कर रहा है तो उसको क्या लिखा है देखो, उसमें ना पहले इन्फॉर्म इन राइटिंग में आपको देना पड़ेगा अपने हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट को कि वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये काम इन लोगों ने बढ़ा के दिया। अभी चेक करेंगे क्या करेंगे नहीं पता, बाकी इन लोगों ने ये लिख के दिया है कि आप लोगों को ये ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में, हेड ऑफिस में आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप आईसीआर के रिसर्च के हो, आप इस इधर जॉब कर रहे हो, आईसीआर में जॉब कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आप हो, आपको ये लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। एग्जामिनेशन सिटीज देखो क्या क्या है। 5, देखो प्रीलिम्स तो काफ़ी जगह पे होगा, प्रीलिम्स जो होगा इसका टियर 1 जैसे हम कहेंगे वो काफ़ी जगह होगा, उसकी सिटीज़ में भी आपको दिखाऊंगी। बाकी जो मेंस है वो उसने सिर्फ 5 सिटीज़ में दिया है, कहाँ का? दिल्ली एनसीआर, नोएडा हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई। आप इसमें से 2 सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको मेन्स एग्जामिनेशन कहाँ देना है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए आपको 5 सिटीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देखो 5 सिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको, और अगर आप मेंस की बात करोगे तो आपको कितनी? 2 सिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा कि आप 2 सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एग्जाम सेंटर का। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए 1 जून 2022 तक, और मैक्सिमम की बात करें तो वो 30 साल होनी चाहिए 1 जून 2022 तक, ठीक है। आईसीआर के आप एम्प्लॉयज हो तो 45 साल होनी चाहिए एज ऑफ 1 जून 2022, किसी भी केस में 45 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब एसएसटी को एज रिलैक्सेशन जो जो मिलता है 5 साल मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होती है उसको 3 साल मिलता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनको 10 साल मिलता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी सर्कमस्टेंस में मैंने आपको बताया 45 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको मैट्रिकुलेशन जो 10वीं और 12वीं में आपका
दिया हुआ है आपको वही लिखनी पड़ेगी। कुछ और लिखोगे तो डीवी के टाइम पे सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डीवी के टाइम पे आपको वो सीधा डिबार कर देते हैं, और वो कई बार 3 साल 5 साल हर एग्जाम का हर जगह का अपना अपना होता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है 10th और 12th में लिखी हुई है वही लिखना, दूसरे अपनी मर्जी से कुछ भी मत लिख देना। ठीक है, आप चलो आगे। आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, SC ST वाले हो OBC वाले हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है आपको नीचे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा वो देना है। ठीक है, उसके बाद चलो आगे। वही OBC का वही वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद EWS का हो गया। EWS का आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा? 21-22 के लिए। ये चीज याद रखना, ये 21-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वही कंसिडर किया जाएगा, उसके अलावा कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब EWS का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो भी कंडीशन है, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और अबव हो गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ दी फैमिली, मतलब सब मिला मिलो के इतनी होनी चाहिए अपने पास। ठीक, ये हो गया EWS का, वही जो सेम कंडीशन सेंट्रल लेवल पे दी हुई है वही है इसका। ठीक है, अब बढ़ जाओ आगे। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। अब देखो एप्लीकेशन फीस जो दी है इन्होंने काफी सारी दी है। आप UR के हो, अनरिजर्व कैटेगरी के, OBC हो, EWS हो, उसकी 700 तो आपकी एग्जामिनेशन फी ले रहा है। रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो 500 ले रहा है, टोटल हो गई 1200। तो जिन बच्चों की एग्जाम की तैयारी है, मतलब एग्जाम की तैयारी का CGL वाले भी दे सकते हो, तो अच्छे से अगर प्रिपरेशन किए हुए हो तो ही फॉर्म भरना। 1200 बहुत ज्यादा अमाउंट है, कम अमाउंट तो नहीं है। जैसे CGL की 100 रुपये फीस है, बाकी एग्जाम्स की भी कम होती है, तो 1200 काफी अच्छा अमाउंट है। तो जिसकी तैयारी होगी वही फॉर्म भरेगा, अलतू फालतू कोई फॉर्म नहीं भरेगा इसमें। ठीक है, विमेन हो गया, SC ST वाले हो गए, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनकी एग्जामिनेशन फी तो 0 है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं 500, तो ओवरऑल उनको भी 500 है, उनकी भी कम नहीं है। ठीक है, तो 1200 हो गई आप लोग सबके लिए। अनरिजर्व कैटेगरी या मेल कैंडिडेट हो गए EWS OBC, और फीमेल के लिए क्या हो गई? 500 हो गई, रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप फी पे कर सकते हो, ऑफलाइन का कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद आ जाओ, ये अपना सिलेबस वगैरह नीचे दिया हुआ है, DV होगा आपका। उसके बाद अपना, हाँ देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 30%, OBC और EWS की बात करें 25%, SC ST दिव्यांग की बात करें तो 20%। वैसे कट ऑफ ज्यादातर के हमेशा इससे ऊपर ही जाती है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि आपको इतने तो लाने ही है। अब देखो इनका क्या है, पेपर वन जो मतलब टीयर वन जो होगा प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग है, जो भी कट ऑफ आएगी आपको क्वालिफाइंग करना है। पेपर टू में अब देखो, मेंस का जो पेपर होगा, मेंस में दो पेपर होंगे, एक होगा पेपर वन, एक होगा पेपर टू। ठीक, ये हो गया। पेपर वन जो होगा मेंस एग्जाम का वो होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी दिए हुए हैं आपको उतने आने चाहिए, तभी पेपर टू जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे CGL का Tier 3 होता है डिस्क्रिप्टिव, उसमें वही एसे प्रेसी ये सब आता है, वैसे इसका पेपर टू है मेंस का। ठीक है, इसको नाम क्या दिया है, पेपर टू ऑफ मेंस। तो पेपर वन में आपका क्या आएगा, मैथ्स और इंग्लिश आएगी वही जैसे मेंस में आती है, और इसमें वही डिस्क्रिप्टिव आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? देखो ये लिखा हुआ है, पेपर वन एंड टू ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर, जो इसमें क्वालिफाई करेगा उसको CPT के लिए बुलाया जाएगा, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके लिए बुलाया जाएगा, और ये मैंडेटरी है, और क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, जरूरी है, ये सबको इसको इसको छोड़ नहीं सकता कि हम छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप सबको देना है। जो CPT को क्वालिफाई कर जाएगा उसको फिर वही मेरिट के लिए फाइनल DV वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए इसको। चलो अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाना है आपको। ये देखो ये मैंने ओपन करके रखी, ये रही इसकी वेबसाइट, यहाँ जाओगे, यहाँ से जाके अप्लाई करना है आपको। ठीक, इसको करोगे क्लिक, ये फॉर्म खुलेगा, देखो ये फॉर्म खुल जाएगा। आप इसमें सब लिखा हुआ है जो जो मैंने आपको बताया ना, सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, जाके एग्री करोगे, प्रोसीड टू रजिस्टर करोगे, ऐसे ओपन होगी साइट, इसको क्लोज करना, फिर अब ये सारी डिटेल जो भी है आपके, मोबाइल नंबर वही डालना जो चालू हो, हमेशा चालू रहता हो, ईमेल आईडी वही वैलिड डालोगे जो आप देखते रहते हो, जिसको आप मॉनिटर करते रहते होगे। ठीक है, ये सब मैंने हो गया। अब आ जाओ अप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, जो वेबसाइट अभी मैंने आपको दिखाई
ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरोगे, वही पूरा डिटेल जो आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे, उसके बाद फीस वगैरह ये सारी प्रोसेस की जाएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ, उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट फॉर फिलिंग ऑनलाइन, वही सब जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं। अब फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या रखना है, देखो नाम जो मेट्रिकुलेशन में 10th और 12th में दिया हुआ है वही भरोगे, फादर्स नेम वही भरना जो सर्टिफिकेट में है, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो लगेगा, उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ अभी रह रहे हो और जो परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो वो सेम का भी ऑप्शन देता है, और अगर अलग अलग है तो दोनों भरोगे आप, ठीक है। आपको ये मेट्रिकुलेशन का वो लगाना है सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का लगाना है, या जो भी क्वालिफिकेशन बाकी आपने किया हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो सबका आपको स्कैन करके डालना है, ठीक है। उसके बाद सिटीज प्रेफर्ड जो भी एग्जामिनेशन के वो डालनी है आपको, आपका पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड यूपीआई ये सारे कुछ भी लगेगा, वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो फोटोग्राफ जो चाहिए वो कैसे चाहिए अपन को, फोटोग्राफ सिग्नेचर, सिग्नेचर जो होंगे ब्लैक इंक में होंगे आपके, नीचे लिखा होगा मैं आपको दिखा दूंगी वो भी, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए सारे सर्टिफिकेट, जो भी आप अपलोड करोगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, उसी फॉर्मेट में एप्लीकेबल होंगे। फोटो आपकी 3 वीक से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइट कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, मोस्ट प्रेफरेबली जो बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन देख लो इसका, 200x230 पिक्सल होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट, और जो साइज होगा वो 50 KB से 80 KB। फोटोग्राफ और सिग्नेचर ध्यान से भरना, आजकल फॉर्म्स बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं, उसको ध्यान से भरना है सारी चीज़ें जो भी है, फोटोग्राफ और स्पेशली सिग्नेचर जो है वो ध्यान से भरना, क्योंकि इसके डायमेंशन आजकल दे रहा है तो वो रिजेक्ट काफ़ी हो रहा है फॉर्म, ठीक। ये हो गया, उसके बाद सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से करना, किससे करोगे, ब्लैक इंक से करोगे, ब्लू से नहीं करना, और पेपर कौन सा होगा, वाइट पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद चलो आ जाओ, ये देखो लिखा हुआ प्लीज स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली नॉट द एंटायर पेज, आपको सिर्फ जितने में आप सिग्नेचर करोगे इतने पार्ट में उसको ही स्कैन करना है, ये पूरा पेपर स्कैन करके नहीं डालना है, ठीक। डायमेंशन ऑफ द इमेज शुड बी अप्रोक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए, और 10 KB से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इमेज का देखो दिया हुआ था ना, इमेज का 20 से 50 था, ये दे रहा 50 से 80 इमेज का हो गया, आपकी फोटोग्राफ का हो गया, और ये 10 से 30 KB कितना हो गया, सिग्नेचर का हो गया, ठीक है। चलो बढ़ जाओ आगे, अब चलते हैं आगे, जो काम की चीज है उस पर चलते हैं अपन, 1 मिनट। ये सब आपको नोटिफिकेशन की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रीड कर लेना, मैंने आपको बता दिया, अब आपको रीड करना आसान होगा, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपको कवर कर दे रही हूँ। अब इसमें भी अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, ज्यादा बच्चे फॉर्म करेंगे तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, वही नॉर्मलाइजेशन मेथड जो SSC लगाती है वही चीज है इसमें भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, नॉर्मलाइजेशन मेथड हो गया, अब देखो उसके बाद आ जाओ, ये पूरी वैकेंसी दी हुई है इसकी, इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है आपको, ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट है नागपुर में कितनी है, 5 है टोटल, UR की 3 हो गई, जूनागढ़ हो गया, भरतपुर, असम, हजारीबाग, ये सारा दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है, टोटल मिला के देखो ये सब, भोपाल में कितनी है, मुक्तेश्वर में कितनी है, लखनऊ में कितनी है, सब दिया हुआ है आपको। ये देखो टोटल इंस्टीट्यूट वैकेंसी कितनी है, 391 है, हेडक्वार्टर्स की बात करें 71, तो मिला के टोटल कितनी हो गई, 462। UR की कितनी हो गई, 279, OBC 95, 48, 14, AW 26 और 8 दिव्यांग की, ठीक। चलो बढ़ जाओगे, अब देखो ये जो प्रीलिम्स की जो स्टेट है जो हमें 5 सेलेक्ट करनी है वो सारा दिया हुआ है, ये बिहार में कहाँ कहाँ है, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, ये 6 तो बिहार की हो गई, झारखंड की 1 हो गई, ठीक है। ये सारा सिटीज हैं, एक बार इस पर नजर डाल लेना, जहाँ जहाँ आपको इच्छा हो उस स्टेट से भर देना इसको, ठीक। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मैंने आपको पहले ही कहा सेम सीरियल पैटर्न का ही है। देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टाइम वही 1 घंटा दिया जाएगा, और जो वही एलिजिबल स्क्राइब वगैरह के लिए वो 1 घंटा 20 मिनट इनका रहता है। मेंस की बात करें, जैसा उसमें होता है सीजीएल में क्या होता है, मेंस में मैथ्स के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है 2 घंटे, और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं, टाइम मिलता है 2 घंटे।
इसमें कर दिया आधा। आधा कैसे किया है देखो, एक सेकेंड, आधा कैसे किया है ये देखो। यहाँ पे मैथ्स किसने कर दी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज की कर दी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। टाइम आधा कर दिया, 4 से 2 घंटे कर दिया, ठीक। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, ये करने के बाद 2 घंटे के बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें एस्से आ सकता है, प्रेसी आ सकती है, लेटर, एप्लीकेशन, ये कुछ भी आएगा, 1 घंटे का होगा। और आपका इसमें आएगा 100 मार्क्स का पेपर होगा भाई, जो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई करेगा पेपर 1 और पेपर 2 में, उसी की ये कॉपी चेक होंगी, ठीक है। नहीं तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं करेंगे ये लोग, पेपर लेके कॉपी ही नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो वो और जब जो सब इसमें, हाँ, नेगेटिव मार्किंग देखो 1/3 होती है इसमें, ईच राउंड पेपर 1 ऑफ द मेन एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। और पेपर 2 जो है उसमें आपको या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, ऐसा नहीं हम आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख के जा रहे हैं, नहीं, पूरा या तो हिंदी लिखोगे या इंग्लिश लिखोगे। और जो पेपर 2 होगा उसमें आपके सिग्नेचर लगते हैं और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, बाकी उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना होता। हाँ, रोल नंबर, ये तो इम्पोर्टेंट है, रोल नंबर, इसके अलावा अपना नाम और ये सब आप अंदर कॉपी में कुछ भी नहीं लिख के आओगे, जो भी जहाँ लिखने का होता है पूरा, वहाँ कुछ भी नहीं लिख के आओगे डिस्क्रिप्टिव में। सिर्फ ये फ्रंट पेज जो होगा उसमें रोल नंबर, सिग्नेचर हो गया और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये 3 चीजें आएंगी। और हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, ये भी होगा, वो आपको टिक करके आना है। ये 4 चीजें होंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ जो टॉपिक दिया उसके बारे में लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ये सब जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें 3 मॉड्यूल आपके, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट जिसको एक्सेल आप कह सकते हो, ठीक है, और पावर पॉइंट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग हो गई, वर्ड प्रोसेसिंग, और हर मॉड्यूल के लिए आपको कितना, 15 मिनट दिए जाएंगे। इसमें ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और सबको ये देना ही है, बिना दिए काम नहीं चलेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ जाएं। ये देखो क्या दिया हुआ है, ये सिलेबस दिया हुआ है, सही में पढ़ लेना इसके, एक बार रीडिंग लगा लेना, वही चीज है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। पेपर 2 का दिया हुआ है मेंस में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, एसए, प्रेसी और ये सब जो भी है, ठीक। उसके बाद ही फॉर्मेट दिया हुआ है SC ST का, ये सारी चीज़ों का, ठीक। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको काम, इसका जो ये है PDF, इसकी टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा। तो ये सब जो जो बताने वाली चीज़ें थी मैंने सब बता दिया आप लोगों को। ध्यान रखना 7 मई से चालू हो चुका है, 1 जून तक ख़त्म है, 1 जून का वेट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दो, और भरेगा वही जिसकी तैयारी होगी, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस काफ़ी अच्छी है, तो वही भरना जिसकी तैयारी अच्छी हो, और फटाफट से भर देना। और भी 2-3 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एक SSC का सिलेक्शन फेस का आया हुआ है, उसका भी बना दूंगी मैं, और एक GD वो हेड कांस्टेबल वगैरह का भी SSC में कुछ आया हुआ है, तो उसका भी मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन जल्दी। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा, जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, कमेंट से आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।